जिले के तारामंडल में भगत चौराहे पर किराए पर कमरा लेकर बच्चों के साथ रहने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी की पत्नी ने शुक्रवार की शाम को जहर खा लिया। गंभीर स्थिति में उसका बेटा जिला अस्पताल ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। जहर खाने से पहले महिला ने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति, उसकी परिचित महिला समेत 5 लोगों को बता रही है। रिश्तेदारों के साथ रात में रामगढ़ताल थाने पहुंचे बेटे ने तहरीर दी। जानकारी के अनुसार बासगांव के सरबसी गांव निवासी ग्राम पंचायत अधिकारी राम पलट यादव पिपरौली ब्लॉक में तैनात हैं। परिचित महिला के साथ गीडा में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। उनकी पत्नी मंजू देवी किराए पर कमरा लेकर बच्चों के साथ भगत चौराहा पर रहती थी। बच्चों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से राम पलट घर नहीं आए। गुरुवार की रात में माँ के पास फोन कर अभद्रता की, जिसके बाद से वह बहुत परेशान थी। सोमवार की दोपहर में बड़ी बेटी पल्लवी से मोबाइल फोन लेकर मंजू ने वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया और घर से निकल गई। 1 घंटे तक न लौटने पर बेटी ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं चला। मोबाइल चेक करने पर वीडियो संदेश देखकर परेशान हो गई और अपने मामा के पास वीडियो भेजकर मामले की जानकारी दी। वीडियो में महिला ने अपने पति के ऊपर गैर महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया और कहा कि उस महिला के कारण उसके पति राम पलट उसे भद्दी भद्दी गाली देते हैं और उसे बेइज्जत भी करते हैं। फिलहाल वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, हमारा नाम मंजू देवी है, हम राम पलट का पत्नी है, हमारे घर सरबसी है, हमारा थाना बासगांव है, हनही चौकी है, गोरखपुर जिला का स्थायी निवासी हैं। यहाँ हमारे पति राम पलट के जब हमार जान चल जाए तो हमारे पति जिम्मेवार बनी है राम पलट यादव, उनका रखा उनका पति उनका बेटी और उनका अरे भाई खोरिया बेटी घर है बास उनका खजनी थाना है। अब सबसे निरोधन यह करत है कि घर है खलीलाबाद, उनका घर है बड़गो थाना है खलीलाबाद और उनका घर है बखीरा ताले के पास। हमारे मोहल्ले के बाद हमारे 4 लड़कन के देखल कर सब अधिकारी हमारे जरूर कार्रवाई करवे, काहे हमारे कुछ दिरागे थे बेटी यही लोगन खातिर मर गए कोनो कार्रवाई भइल ना है, यही लोगन खातिर हम जाने रात दिन गंदी गंदी गाड़ी देते हैं। राम पलट अपने घटियाई करना 50 साल की उम्र में और हमके हरदम गवारा रे हरदम गाड़ी देके भेजें, उनके 50 साल के उम्र में घटियाई कहले के समय नहीं है, लेकिन ठीक है करत हम कर दें, लेकिन हमारे मोहल्ले के बाद जिम्मेवारी है 5 जनी हमें राम पलट यादव, हमारे पति राम पलट मंजू देवी के पति राम पलट यादव, उनका रख उनका बेटे मरद जस्तिया। रामगढ़ताल में एक महिला के द्वारा जहर का के आत्महत्या कर लिया गया है। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया अपना पति एवं पति के अलावा 3 लोग या 4 लोग और का नाम लिया है। उनका आरोप यह है कि पति का अवैध संबंध किसी महिला से था और पति मारता पीटता था, इसी से तंग होकर आत्महत्या कर रहा है।